हेलो फ्रेंड्स, सिंपल एंड टेस्टी खाने में आप सभी का स्वागत है। आज हम चना दाल की खिचड़ी बनाएंगे, जिसे आप चना दाल पुलाव भी कह सकते हैं। और ये मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती है, तो आज मम्मी यहाँ आई हुई है, तो वो ही इसे बनाएंगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगी। तो चलिए, पहले आपको मैं अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ, उसके बाद हम चना दाल की खिचड़ी बनाना शुरू करेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब कुकर में एक अड़छी भर के घी डालेंगे। आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें आधा चम्मच जीरा, एक मोटी इलायची जिसे मैंने तोड़ लिया है, चार लौंग और 8-10 काली मिर्ची हैं। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मसाले डालेंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, और इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। मैंने 2 प्याज लिए थे, जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया था। प्याज भुन चुके हैं, अब इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने 3 टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/4 नमक डालकर अच्छी तरह हिलाएंगे। मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, जिसे मैंने 5-6 घंटे पहले धोकर भिगोकर रख दिया था, और 2 कटोरी चावल, जिसे भी मैंने धोकर 20 मिनट पहले भिगोकर रख दिया था। अब इसमें 5 कटोरी पानी डालेंगे। मैंने 2 कटोरी चावल लिए थे, उसके हिसाब से 4 कटोरी पानी चावलों का और 1 कटोरी पानी दाल का। अब इसे उबलने देंगे। पानी उबलने लग गया है, अब इसमें दाल चावल डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब इसे खोलेंगे। खिचड़ी बनकर तैयार है, अब इसे हल्के हाथों से हिलाएंगे। और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।